सो ये अपनी बुक है जेडी ली, सुदर्शन गुहा की एडिटेड। मैं बता दूं थोड़ा सा राइटर सुदर्शन गुहा सर के बारे में। ये अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे पहले बंसल क्लासेस में, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उससे पहले सुदर्शन गुहा सर और दूसरे और भी फैकल्टीज़ जो थे सीनियर मोस्ट फैकल्टीज़ के रूप में जाने जाते थे। तो सुदर्शन गुहा सर को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है बंसल क्लासेस में इनऑर्गेनिक के कंटेंट को डेवलप करने के लिए। जेडी ली ये बुक है ही नहीं जेडी ली की, ये बुक एक्चुअली सुदर्शन गुहा सर की ही थ्योरी है। उन्होंने जो कंटेंट बनाया था उस जो बंसल क्लासेस में कंटेंट होता था उनका एग्जैक्टली वही कंटेंट है, उसी में इनफैक्ट के कुछ और भी चीज़ें ऐड की हुई। तो काइंड ऑफ उनके जो अपने क्लासरूम का कलेक्शन थे वही चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह अलग से ऐड किए हुए। जेडी ली की ये ओरिजिनल बुक है ही नहीं, जेडी ली की बुक अलग है, कभी और दिखाऊंगा मैं दोनों को सामने सामने रख करके। बट जेडी ली मुझे लगता है कि जेडी ली का नाम शायद मार्केटिंग टूल के रूप में यूज़ किया गया है। ऐसे और भी बहुत सारी बुक है, जैसे एमएस चौहान की भी बुक है, वो उस पर शायद टैग होता है ना सोलोमन फ्राइल्स का, एग्जैक्टली मुझको याद नहीं है। तो जेडी ली काइंड ऑफ मार्केटिंग टूल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास फोर्थ एडिशन है जिसका मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। बुक अपने आप में बहुत लेजेंडरी है, बट तुम्हारे लिए ये बुक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है मेरी नज़र में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जेडी ली अगर कर ली ना तो फिर इनऑर्गेनिक हो गई, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जेडी ली का बहुत बड़ा पार्ट जेई मेन्स के लिए है ही नहीं। तो जेई मेन्स ओरिएंटेड कोई भी स्टूडेंट अगर है और अगर वो ये इस बुक को करने गए तो वो बर्बाद हो जाएंगे। कैसे, लेट मी टेल यू। इस बुक को मैं ओपन करूँ, फोर्थ एडिशन मेरे पास, आपके पास कोई और एडिशन हो सकती है तो डिफरेंसेस आप देख लेना, बट जैसे ही मैं ओपन करूँगा ना इस बुक में देखना चैप्टर, मैं एक्चुअली इस बुक को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, चैप्टर 1 to 6 अप टू मेटलर्जी। स्टार्टिंग में चैप्टर देखना, चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, देन हाइड्रोलिसिस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी। मेटलर्जी के आगे सॉल्ट एनालिसिस है, हाइड्रोजन चैप्टर है जो एनसीईआरटी में इस ब्लॉक है, इस ब्लॉक में दो पार्ट है ग्रुप 1 ग्रुप 2, पी ब्लॉक है जिसमें ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक सारे। तुम सिर्फ अगर कंटेंट वाला पार्ट भी देखोगे ना तो कंटेंट वाला पार्ट में तुमको पढ़ने से ही लगेगा जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फीलिंग आई अभी तक सच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम्हें मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और तुम देख करके सरप्राइज हो जाओगे ये बुक अगर तुम मेंस के लिए यूज़ करते हो तो ये तुम्हारा अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करने वाली है। जिनका टारगेट है कि वो मेंस में अच्छा करें, 200 के आसपास स्कोर करके लेके आए, 250 समथिंग में जाएं, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो इस बुक के साथ एग्जैक्टली जाएं। हाँ, कुछ सिलेक्टेड पोर्शन कर सकते हैं नो डाउट, जैसे कोऑर्डिनेशन के कुछ बहुत अच्छे पोर्शंस हैं, जैसे CFT वगैरह की थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, एंड इसी तरह से और भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं जैसे बॉन्डिंग वगैरह में बैक बॉन्डिंग का पार्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है, VBT CFT में डिफरेंसेस वगैरह, और इसी तरह से और भी टॉपिक्स हैं, मैं उन पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स इस चैप्टर के तुमको टच करने चाहिए। बट अभी इस वीडियो का पर्पस है कि मैं तुमको बताऊं कि ये मेंस के लिए क्यों नुकसानदेह, क्योंकि यहाँ से ना चैप्टर नंबर 6 के बाद 7 से लेकर के 12 तक तो जेई मेंस के लिए है ही नहीं। तुम यहाँ पर 3 गुना कम से कम टाइम देने वाले हो या 4 गुना टाइम देने वाले हो जेई मेंस के कंपैरेटिवली। तो जेडी ली एडिटेड बाय सुदर्शन गुहा सर चैप्टर 7 टू 12 जेई मेन्स ओरिएंटेड नहीं है ही नहीं कहीं से भी। क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस जेई एडवांस की चीज है, तो जेई एडवांस के लिए स्पेसिफिक है वो, जेई मेंस के क्वेश्चन दिखेंगे नहीं यहाँ पर। जो भी क्वेश्चन जेई मेंस में सॉल्ट एनालिसिस रिलेटेड आते हैं वो एनसीईआरटी के ही होते हैं या लैब मैनुअल के होते हैं, डन, जरूरत ही नहीं इसको जाने की, टाइम वेस्टिंग। हाइड्रोजन हाइड्राइड से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जिनकी जरूरत नहीं पड़ती, एनसीईआरटी ओरिएंटेड काम करो आप। एस ब्लॉक में भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के उठा के दे दिए जाते हैं जेई मेंस में, पी ब्लॉक के हर एक क्वेश्चन उठा करके एनसीईआरटी से मैच करते हैं हर एक चीज़, इवन अब तो जेई एडवांस का भी अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी के साथ। तो चैप्टर 7 to 12 यहाँ तक है ही नहीं, ये मेन ओरिएंटेड नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है तुमको करने की। देखा, 7 to 12 समझ रहे हो, 12 चैप्टर में से 7 चैप्टर हो गए ना, कितने हो गए, 6 चैप्टर, तो 50% जेडी ली सीधा सीधा 50% जेडी ली है ही नहीं जे मेन्स के लिए, 50% जेडी ली इज नॉट फॉर जे मेन्स। मैं जे एडवांस के लिए बाद में बात करूंगा, बट जे मेन्स के लिए तो नुकसानदेह है, नॉट फॉर जे मेन। 50% जेडी ली है ही नहीं जेई मेन के लिए। अब हम आते हैं जेडी ली चैप्टर 1 to 6।
चैप्टर 1 टू 6। चैप्टर 1 टू 6 में भी कुछ चैप्टर है जो कि जेई मेंस के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जैसे हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस के कुछ हल्की फुल्की बात है जो जेई मेंस में टच होती हैं, उसके लिए तुम इतना थोड़ी ना करोगे, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा करना ही मेंस के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। ज्यादातर स्टूडेंट तो बर्बाद ही इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा चीजें करने लगते हैं। तो इसमें से हाइड्रोलिसिस मेंस के लिए नहीं है, मैंने कट कर दिया भाई, हाइड्रोलिसिस नहीं है। और एक सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अब तुम्हारी मर्जी तुम कैसे काउंट करते हो, ये तो बेसिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम कहीं से भी टच कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। इस पे बहुत सारी बातें डिटेल में हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा इतना पढ़ो। किसी को बहुत ज़्यादा अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है तो ठीक है जाओ, अदरवाइज ऐसा कुछ खास नहीं है, अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इन दोनों को साइड कर दो। तो और दो चैप्टर ऐड हो गए, तो अब एक तरह से हमारे पास हिसाब हो गया कि 6 चैप्टर + 2 चैप्टर आउट ऑफ 12, 8/12, दैट मीन्स 2/3, 66.66% जेडी ली इज नॉट फॉर जेई मेन। सोचो, नॉट फॉर जेई मेन, देखा। एंड आगे ऐसे ऐसे पोर्शन हैं पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में तो बहुत सारे, यानी कि मैं यहाँ से ज़रा फोकस करना है, यहाँ से तो मैं एग्जैक्टली काउंट करा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है कहीं से भी जेई मेन के लिए। तो केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। एंड इन फैक्ट आप अगर आगे आओगे, ये तो हटा दिया मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फुल पढ़ो, बहुत बेहतरीन है और बहुत स्कोरिंग भी होता है जेई मेन एडवांस के लिए। इनफैक्ट के जेई मेन्स के लेवल पर ही आप अपना लेवल अच्छा बना लो, जेई मेन्स में भी क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे दिखाई देते ही देते हैं इसमें। तो जितना ज़्यादा कर सक, मतलब इसे अच्छे से करो बस, अच्छा है ये। कुछ ही पोर्शंस हैं, एक दो ऐसी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जरूरत नहीं पड़ती हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। बट मेटलर्जी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मेटलर्जी तुम्हें हार्डली 50% भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे, जेई मेन्स ओरिएंटेड। वैसे अगर कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बहुत अच्छा करना चाहोगे केमिकल बॉन्डिंग में तो कर सकते, बट ये वाला पोर्शन तो वैसे भी देखो, डिफेक्ट्स वगैरह वाला पार्ट है, सॉलिड स्टेट वाला पार्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर वगैरह सब, तो तुम सॉलिड स्टेट की बहुत सारी बातें डाल दी गई यहाँ पर, तो सॉलिड स्टेट तुम करते ही तो क्यों करोगे यहाँ पर, जेडीली से क्यों करोगे, दैट इज मोर देन सफिशियंट। जो तुम सॉलिड स्टेट कर रहे होगे, थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स वगैरह से कुछ कुछ सेलेक्टिव चीज़ें करने की हैं, तो मेरी नज़र में ये हार्डली, पता है, हार्डली तुमको 50% होगा। तो दो चैप्टर की जगह पे एक चैप्टर मान लो। तो अब फाइनली कि अब हमारे पास हो गया 8+1, अगर 50% केमिकल बॉन्डिंग, 50% अगर मोटा मोटा मेटलर्जी ले ले, तो 3/4 जेडी ली, 3/4 × 100, 75% जेडी ली इज नॉट फॉर जेई मेन। सो लिटरली कोई भी स्टूडेंट बर्बाद हो सकता है जेडी ली पढ़ करके। वो 75% जो चीज़ें यूज़ की नहीं है वो पढ़ रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे ट्रिपल नुकसान है। वो अपने समय का नुकसान कर रहा है और अपने कीमती एनर्जी का नुकसान कर रहा है। जेई मेंस के लिए उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा अगर पढ़ने लगे और उसे बाद में पता चले, रियलाइजेशन हो, तो वो अपना कॉन्फिडेंस अलग खो देगा। सो इसीलिए ये वो बुक है जो तुम्हारी जेई मेन की प्रिपरेशन को बर्बाद कर सकती है। संभल करके करो। नेक्स्ट टाइम मैं बताने वाला हूँ सेलेक्टेड पोर्शंस स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग के एंड मेटलर्जी के, क्योंकि मैंने 50% बोला ना उन्हें, तो केमिकल बॉन्डिंग प्लस मेटलर्जी ये नेक्स्ट टाइम मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं।